का एक बड़ा जो राज्यों में देखा गया है, एक बड़ा रास्ता उन्होंने मंत्रिमंडल में कहा कि मंत्रिमंडल में घटनोत्तर स्वीकृति हो गई, मंत्रिमंडल में पॉलिसी की स्वीकृति हो गई, किसी को सस्पेंड करना है तो भी मंत्रिमंडल जाते हैं। उसका कारण ये है कि एक करप्शन का एक बड़ा मुद्दा ये हो गया है कि इंडिविजुअल कोई मंत्री यदि करप्शन करेगा तो उसको तो सजा हो सकती है, लेकिन इस देश में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल को सजा हो। लेकिन मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उन्होंने जो वो एजेंडा पास किया है उनको जानकारी है कि नहीं है, उन्होंने सोच समझ कर पास किया कि नहीं किया, इसके लिए कोई तो एक नियम कानून होगा ना। तो इसी के लिए मैंने कहा है कि जो भी पॉलिसी बनी है, आप समझिए कि शराब की पॉलिसी स्टार्ट हुई है, रघुवर दास जी के समय जो शराब की पॉलिसी थी उसको बदला गया, बहुत अच्छा काम है, कोई भी सरकार आएगी तो वो बदलेगी। और उसके 6 महीने के बाद जो है फिर से एक नई पॉलिसी आ गई, तो 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि दो पॉलिसी चेंज हो गई। उसी तरह से उद्योग का जो है बड़ा पॉलिसी था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, तो उद्योग की पॉलिसी जब चेंज हुई तो उसमें से मंत्रिमंडल के कितने लोग सहमत थे। फिर मनरेगा का एक ऑडिट, मैं आपको बताऊं, एक बड़ा सवाल है, जैसे ही हमारी सरकार गई और इनकी सरकार बनी तो सभी जगह मनरेगा में ऑडिट हो रहा था, आपको यदि ध्यान हो तो 3 महीने तक जो है इन्होंने ऑडिट को कम्प्लीट रोक दिया, जिसके लिए भारत सरकार ने भी पैसा रोक दिया था, तो मनरेगा की ऑडिट के आधार पर जो है बंद कर दिया आपने। उसी तरह से बालू का जो है एक बहुत बड़ा लूट है, आज तक उसका टेंडर नहीं हो पाया। हमने ये कहा था कि पंचायत में चालू होगा और जो लोग अपना प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए या अपना आवास बनाने के लिए करते हैं उनको हम छूट देंगे, उसमें रोक हो गया और आज तक बालू का टेंडर नहीं हो पाया है। लोग क्राई माफ कर रहे हैं लेकिन बालू तो उठ रहा है ना, अवैध तरीके से बालू उठ रहा है। उसी तरह से माइनिंग लीज में कब ये तय हो गया कि माइनिंग लीज की फाइल जो है वहां मंत्री तक नहीं जाएगी या DMO तय कर देंगे। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जो पिछले 2-2.5 साल में लोगों को भी जानने का है, एजेंसीज को भी, एजेंसीज किसी को तंग नहीं करना चाहती है ना। मान लीजिए कि मंत्रिमंडल ने ये बहुत अच्छा निर्णय ले तो मंत्रिमंडल के सारे सदस्य बताएंगे कि हमने ये अच्छा निर्णय ले लिया, तो सेंट्रल एजेंसी को क्यों तंग करने के लिए जाएगी। लेकिन यदि मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को पता ही नहीं है और इस तरह की पॉलिसी भी बदल गई तो जो लोग जिम्मेवार है वो जेल जाएंगे। सवाल का इंतजार करिए, सवाल ऐसा आएगा कि सारे बड़े लोग यहाँ रह सही हो गए, हम भी उसी तूफान का इंतजार कर रहे हैं। कल से लेके आपको 2-3 दिन बाद तक जो है शुभ समाचार हमेशा मिलता है। माइक ऑन नहीं, पेड़ बड़ा उखड़ेगा सर, पेड़ नहीं घर मकान सब उखड़ जाएगा, पेड़ तो बहुत छोटे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।